मैं आज अभी इसी वक्त आपसे ये रिश्ता तोड़ता हूं। मैं आपको तलाक देना चाहता हूं सिमर। से शादी कर लीजिए ना सिमर, प्लीज हाँ बोल दीजिए। सिमर भाभी हाँ कर दीजिए ना प्लीज। सिमर हाँ कह दो ना। हाँ सिमर। थैंक यू रोली, थैंक यू सो मच। रोली मुझे तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा लगा। प्रेम और सिमर की दोबारा शादी होगी और बहुत धूमधाम से होगी। शुभस्य शीघ्रम कहने का मतलब यह है कि इस शादी की तैयारियां अभी से आरंभ होगी। यार प्रेम एक ही गम रह गया था कि मैं तेरी शादी में नहीं आ पाया, अब वो भी मिट जाएगा। और वैसे भी मेरे लिए तो ये बोनस है। अरे वो कहते हैं ना कि यार की शादी में काम करने वाले को बड़ी अच्छी बीवी मिलती है और उसकी शादी भी बहुत जल्दी हो जाती है। शादी लायक उम्र तो हो ही गई है मेरी, क्या पता तेरी शादी में काम करते करते मुझे भी कोई मिल जाए। तुझे और सिमर को साथ देखता हूं ना, सच ही मन करता है कि मैं भी हाथ पीले कर लूं। माता रानी, इन दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनाए रखें, इस शादी से इनका बंधन इतना अटूट हो जाए कि किसी भी परिस्थिति या इंसान के टोड़े न टूटे। जीजू की फिर से शादी होगी, सोच कर ही ना मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है, मालूम पड़ रहा है। अब रोली क्योंकि सुझाव तुम्हारा था इसलिए शादी की तैयारियों की जिम्मेदारी भी
तुम्हारी ही होगी। तुम जैसा चाहती हो इस शादी में बिल्कुल वैसा ही करना। सिर्फ इतना याद रखना, ये शुभ अवसर हमारे भारद्वाज परिवार के लिए एक शानदार यादगार बनकर रहे। जी माता जी। रोली भाभी, ये शादी ना एकदम अलग ढंग से होनी चाहिए, है ना? अरे मैं बताती हूँ, इस बार थीम मैरिज करेंगे। वो भाभी, ये सब तो ओल्ड फैशन हो चुका है, कुछ नया ट्राई करते हैं। परी भाभी, अब आप शादी भी क्या फैशन के हिसाब से करवाओगी? अब माता जी, मुझे ना शादी में वो हीरो का हार चाहिए। एक नहीं, दो सेट बनवा कर दूंगी। और माताजी हमें? माताजी झुमके पुराने हो गए। हाँ हाँ भाई, जिसको जैसा चाहिए सब अपने गहने बनवा लेना, ठीक है ना? रोली, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? मेरे पास अपनों का साथ है, वही बहुत है। अरे अरे आओ, हमारे साथ भी आओ। अरे शर्मा रहे हो? भाभी, आप कहाँ खोई हुई हो? आओ मेरे साथ, आपकी जगह यहाँ है। क्या हुआ? वो मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ कोई है, पर कोई भी नहीं है। शायद मेरा वहम होगा। चलिए। हाँ एक मिनट। Thank you.
कह रही थी कि घर में जितने भी फ्लावर्स लगने वाले हैं ना, सारे के सारे एकदम फ्रेश होने चाहिए। हाँ, जी चड्डा जी, ऐसा है कि स्वीट्स की टेंशन मत लीजिए आप, पर जो खाने का मेन्यू है ना वो सारा बताइए जी। तो भैया हाँ, चड्डा जी से कहिए कि कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, हर तरह के पकवान होने चाहिए। हाँ रोली, चड्डा जी जरा हाँ, नहीं ऐसे कुछ नहीं होगा, आप सैंपल्स लेकर घर आ जाइए ना, मैं यहीं पे देख लेती हूँ, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी आइएगा ठीक है। सारी तैयारियां हो गई रोली बेटा? सारी तैयारियां हाँ हाँ हो गई काज, यहाँ लाइट्स वाले से बात हो गई, फूल वाले से बात हो गई, केटरिंग से, चड्डा जी से तो सत्तू भैया बात करें तो वो भी हो गया, और नहीं मैं कुछ भूल रही हूँ। रोली बेटा आराम से शांति से हा? अब मुझे बताओ कि जो लिस्ट बनाई थी उसमें से क्या क्या हो गया और क्या नहीं है। माता जी रोली तो ऐसे परेशान हो रही है जैसे उसकी बहन की नहीं बेटी की शादी हो। आओ सुजाता भो। जी थैंक यू। और किसी को कुछ याद आ रहा है, कहीं हम लोग किसी का नाम लिखना भूल तो नहीं गए? अरे अपने मल्होत्रा अंकल, उनको बुलाया? अरे हाँ 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 लिख लिया लिख लिया, हो गया। मेरे एक फैसले की वजह से आज परिवार वाले कितने खुश हैं, उनकी मुस्कुराहट देखकर आज अंदाजा हो गया कि मेरा फैसला कितना गलत था। मेरा एक गलत फैसला उनकी ये मुस्कुराहट छीन लेता। सब खुश है ना, तो फिर आप निराश क्यों हैं? प्रेम जी प्लीज अब आप अनुदास मत कीजिए, और फिर वक्त तो हमारे रिश्तों का इम्तिहान लेता ही है, लेकिन आज हम वो इम्तिहान पास करके आगे आ चुके हैं, और अब हमें कभी कोई अलग नहीं कर सकता। मैं किचन में नाश्ता देख रहा थी। अरे 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 सिमर कहाँ जा रही हो? अरे सिमर सुनो तो सही। शर्मा क्यों रही हो आप इतनी? जानवी देखो तो चांद सा चेहरा कैसा खिल गया है। बस अब मेरी दीदी से कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं बोलूंगी। अरे प्रेम अरे, 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 सुन तो सही। कहाँ जा रहे हो? हाँ? बाद में तो भाभी के साथ ही रहना है। थोड़ी देर हमारे साथ ही गपशप कर लो। जोड़ी को ऐसे ही बनाए रखिएगा, दोनों हमेशा खुश रहे साथ रहे, यही दुआ है मेरी। तथास्तु। ये कौन बोला? मैं बोला। तथास्तु।
आप भी ना बिल्कुल यार, तुम्हारे माँ बाप ने ना तुम्हारा एकदम परफेक्ट नाम रखा है, रोली। रोतलू की तरह सारा टाइम रोती रहती हो और भूसली की तरह लड़ने के लिए हमेशा तैयार, इसलिए रोतलू का रो और भूसली वाला ली, रोली। वेरी फनी, अच्छा मजाक था, आप ना काफी कुछ समझते ही नहीं है। आप ना कभी कुछ समझाती नहीं है। समझाओगी? नहीं समझाओगी? पक्का? दरवाजा खुला है, कोई आ गया ना तो आने दो, डरना किस बात का, बीवी हो तुम मेरी। माताजी अब यहाँ? माताजी वो, माताजी कहाँ है? माताजी बीवी हो ना आपकी, तो इसका मतलब झूठ बोलोगी? अब मुझे ऐसे गिराएंगे? झूठ बोलोगी तो गिरा दूंगा। अच्छा, गिरा के तो दिखाइए। गिरना चाहती हो? गिर जाओ। ए तेरी तो हमारी शादी की तैयारी में सब लोग इतने बिजी हो गए कि नाश्ता करना ही भूल गए। यह अखंड ज्योत बुझ कैसे गई? जी देखिए ना, मैं इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये दिया जल ही नहीं रहा। इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है, ये बारिश का मौसम है बेटा, ऐसे में बातें सिल जाती है। लाओ मुझे दो, मैं जला देती हूँ। सिमर क्या हो गया? जी इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे हाथों माता रानी की जोत ना जल पाई हो, और आज ये तो बहुत अशुभ संकेत है ना। कैसी बातें कर रही हो माता जी? मैं नहीं जानती, लेकिन लेकिन कल रात से मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, मुझे नहीं पता ये क्या है, बस बस जी बहुत घबरा रहा है। कुछ नहीं हुआ बेटा, पिछले कुछ दिनों में तुम पर क्या नहीं बीती है ये उसी का असर है।
मन में डर बैठ गया है। कोई बात नहीं, एक काम करो, थोड़ी देर बाहर जाकर खुली हवा में घूमाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.